मार्किंग कर रहा, देखो मार्किंग कर रहा है। यो लो, कितनी बढ़िया मूवमेंट है भाई। ये सांबर रोड जो है ना, यहाँ पे अगर हम आ गए ना एक बार तो ये यहाँ से जिप्सी बैक नहीं होती जो है। उन्होंने दिया हुआ हाई बैंक, क्रोकोडाइल पूल, चैंपियन पूल, ये तो गैरल की तरफ हुआ ना, खिननौली ये हो गया, ये डिकाला हो गया, ये खिननौली हो गया। यहाँ रहने का मज़ा ही अलग है यहाँ पे। ये देखिए VVIP गेस्ट हाउस, तुम्हारी बहुत जोरदार हुई थी जैसे होती है फिल्म में, हीरो की हीरो की एंट्री होती है वैसे। हमारे एग्जिट भी तगड़े होते हैं। सही बात है। चलो वाइल्ड लाइफ व्लॉगर, वाइल्ड लाइफ लवर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का सपना होता है यहाँ पे 3 रात 72 घंटे जंगल के अंदर रहना। आप हिसाब लगा लीजिए, उनके लिए जन्नत है जन्नत, खुशी का जो आप बता नहीं सकते, कितना खुशी का ठिकाना ही नहीं है। बाकी आज देखो सूरज भाई साथ चल रहे हैं जो है, करेंगे बिल्कुल जंगल में बढ़िया से ट्राई। और बढ़िया एक्सपीरियंस है इनको जो है यहाँ का, बस लर्निंग फेज है अभी तो, सीख ही रहे हैं, सीख रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, आप सीखेंगे बहुत कुछ भाई। हमारी सफारी शुरू। एंटर हो चुके हैं धनगढ़ गेट से डिकाला की तरफ। अभी दिखा रहा पार्किंग दिया है ना। हाँ जी हाँ जी, ये ऐसा डियर है जो अपना एरिया बना के रहता है। अच्छा, एरिया उसमें रहता है अपना, पैटरी मार्क करके उसके अंदर भी होता है। क्या बात है। और मेटिंग टाइम में आपको 2 दिख जाएंगे पैर पर, और ऑपरेटिंग टाइम में 3 या 4 दिख सकते हैं, फैमिली रहेगा सिंगल सिंगल सर्वाइव करते हैं। इसका जो मेल सॉलिटरी उसका भेज गया है, उसका मेल होता है, उसके कैनाइन होते हैं। अच्छा, उसका मेल अगर हमको पास से दिखेगा तो उसके कैनाइन होते हैं, दिख जाते हैं। सही है। तो ये मेरा डियर्स में सबसे अलग ब्रीड है, बिहेवियर ही पूरा उसका डिफरेंट है। एक रास भी खाता है और चोरी चकारी करके कई बार देखा गया है कि टाइगर का किलिया किसी का किले, उसमें भी कई बार इन्होंने आता है। क्या बात है। यस, कई बार मार भी, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप पहली बार सुनेंगे, जो अगर आपको कुछ भी लगे जंगल में आपको बहुत अच्छा से दिखाए, अलग से दिखाए, और मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सही है, सही है, ट्राई करूँगा पूरा बताने। ठीक है, सुल्तान साकू के नाम पे है ये सुल्तान। गैरल जा रहा है, गैरल यहाँ पे नीचे। क्या बात है, यहाँ तो कहानी है सबकी। अच्छा अच्छा, वो खड़ा थी। अरे बैक पर हल्का से देख लिया, बहुत अंदर चला गया, रहने दो। ये तो सरफ दिल्ली गेस्ट हाउस है। हाँ,
ले भाई निकाला हमें अभी रेफ्ट ऑफ पहुंचे भी नहीं है सामने ये लो फिरोज भाई जी लकी हो बहुत मार्किंग कर रहा देखो मार्किंग कर रहा धीरे धीरे अंदर जा रहा है अंदर जा रहा है भाई तुम थैंक यू सर मजा आ गया सही में थोड़ा आगे लो बस हो गया भाई फिरोज भाई तो पहुंचे भी नहीं है अभी तो अभी तो हमारी शुरुआत होनी है और मजा बहुत बढ़िया रहा जो है चलो हमारी शुरुआत अच्छी हुई भैया इधर को गई है तो कहाँ से निकलेगी जो है देखें अभी हमको जो टाइगर दिखा है ना हाँ जी तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा वेट करते हैं कहीं अलार्म कॉल्स वगैरह और इस टाइम इसका नाम है पेड़ वाली अच्छा तो इसका बेसिकली रूट इसी लेन पे रहता है सही है तो अगर हमारा एंटीसिपेशन सही है तो या तो ये सीधा निकलेगी उस तरफ ठीक है या तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा सही है सी वो लोग ऊपर जाएगा वाइल्ड लाइफ इज ऑल अबाउट नहीं जाएंगे वो वहीं रुकेंगे क्योंकि अभी हम लोग ऊपर जा नहीं सकते 7 मिनट बस हमारे में निकले हुए टाइगर सामने एक बात देखो पेड़ वाली भी यहां तक आ रही है मुझे लगता है ये फाइव लाइन वाला बच्चा और पेड़ वाली मेट कर सकते हैं फिलहाल इसका तो मैटिंग बहुत निकाला कैंपस पहुंच गए हैं ऐसा हम हो गए बहुत लेट सब जिप्सियाँ जा चुकी हैं अभी हम मैं आपको रूम बाद में दिखाऊंगा पहले सामान यहीं रख के भागते हैं फटाफट क्योंकि सवारी का टाइम हो गया जो है निकलते हैं अभी देखा आपने कितनी बढ़िया साइटिंग हुई टाइगर की जो है मजा आने वाला भाई बहुत टाइगर है अभी यहाँ पे 4 दिन इधर ही हैं रोज अच्छे अच्छे वीडियो बनेंगे जो है आपको दिखाऊंगा अपने ब्लॉग में चलिए सर चलिए और फटाफट जल्दी करते हैं खड़ा नहीं होना यहाँ पे हमारी इवनिंग सफारी शुरू पहले किस तरफ जा रहे हैं अभी हम पहले ग्रासलैंड स्कैन करेंगे ठीक है जो भी मूवमेंट होगा उसके बेसिस पे हम वेट करेंगे या तो दूसरी जगह मूव करेंगे ठीक है ब्यूटी है भाई ये तो फ्रेश ऑक्सीजन ये मैं तो कहूँगा सबसे बड़ा नशा है सबसे बड़ा मुझे बहुत है सबसे अच्छा नशा ब्यूटीफुल ये नशा आपको कहानी नहीं पहुँचाएगा कैनोपी में टाइगर बड़ा प्यारा होता था अरे वही हो गया ऑलमोस्ट सही खड़े साल पड़ा और 100 साल में सड़ा सही बात है टोटल एज एक साल के पेड़ की 300 साल हो जाती है उसको टाइम ही 300 ईयर्स लग जाता है सही बात है वहाँ बहुत बड़ा हर्ड है एलिफेंट का और बाद में जाएंगे थोड़ा एलिफेंट बहुत ट्रैक करते हैं बहुत क्या है ग्रासलैंड पे गए थे वहाँ कोई मूवमेंट नहीं है एकदम शांत है जंगल जो है खाली एलिफेंट की मूवमेंट है
वो बाद में कवर करेंगे। तो कोई जिप्सी भी इधर है नहीं, इसका मतलब सब जिप्सियाँ सांबर रोड होके पार हैं, नदी के पार जो है, अभी वहीं जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है आगे चल के। ये सांबर रोड आ गई। यस, कोर एरिया है पेड़ वाली टाइप का। अच्छा, ये कोर एरिया उसका। सही है, बिल्कुल मेन एरिया जो ना? हाँ। जंगल के पेड़। अच्छा, जैस्मिन ट्रीज। वो कितनी बढ़िया मूवमेंट है भाई। ये सांबर रोड जो है ना, यहाँ पे अगर हम आ गए ना एक बार तो ये यहाँ से जिप्सी बैक नहीं होती जो है। वाह, टांगर ही बना गई। फोटोग्राफी नहीं है, फोटोग्राफी बैक साइड है, उधर से अगर आ रहे हो। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी। हाँ, मुझे गलत सुना देते हैं। और एक जंप यहाँ बहुत मारता टाइगर। पूरा लैंटाना उल्टा करा हुआ जो है, उसकी जड़ें ऊपर करी हुई हैं। जंगल के लिए विनाश है, विनाश है। अच्छा है, इन्होंने पूरा मेंटेन किया हुआ है। आगे जिप्सियाँ खड़ी हैं भैया बहुत सारी। थोड़ा थोड़ा आगे, बस बस। ये देखिए, ईगल देखने के लिए। मार गए हुए सब जो है नदी के। वहाँ पक्का टाइगर, टाइगर की मूवमेंट है, पक्का टाइगर मिलेगा, देखना अभी थोड़ी देर में। भाई ये है बाहर जाने के लिए ब्रिज जो है टेम्परेरी, हर साल ये टूट जाता है जब बाढ़ आती है राम नदी में जो है, हर साल नया बनता है जो है। भाई अगर भर रखा ना तो खाली हो रहा है। देखो यहाँ पूरी जिप्सियों की फुल मूवमेंट है, यहाँ बर्ड वाचिंग कर रहे हैं। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, मार्च स्टार्टिंग है, जैसे जैसे शाम होगी ना मूवमेंट बढ़ेगा देखना। आप कुछ बता रहे थे? एक्चुअली यहाँ पे ना टाइगर ने किल कर रखा है कहीं इस जगह पे। अच्छा, इसलिए गाड़ियाँ वेट कर रही हैं टाइगर के लिए। टाइगर अपना शिकार खाने के बाद में पानी पे आना है तो वो पानी पे ही जाएगा, इसलिए सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, वेट कर रहे हैं। तो भैया ये देखिए सामने वो दिख रहा है डिकाला कैंपस, सामने हम डिकाला कैंपस के एकदम ऑपोजिट आ गए सामने की तरफ। ये सामने चौकी कौन सी कांडा? नहीं, थोड़ी चौड़ की चौकी है। टाइगर की खोज जा रही है भाई, ये जो ट्रिप है स्पेशली टाइगर के लिए ही है, क्योंकि डिकाला आके टाइगर ना दिखे तो फिर और कहाँ दिखेगा। ये देखो भैया डैम से पानी लेने जा रहे हैं, पानी डैम से पीने का। ये भी डेयरिंग काम है भाई, पानी लेने जा रहे हैं डैम पे। हमें बोलते हैं चढ़ जाता है इसके पास, यहाँ की चौकी तो डिकाला के बिल्कुल सामने से दिखती है, यही चौकी है जो है। पूरा फेंस किया हुआ है, पूरा फेंस किया हुआ है इन्होंने।
बर्ड्स कैसे बाहर बैठे हैं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ना सब भाग जाएंगे पानी में, देखना ये देखना सीन देखना ये देखो। ओह ब्यूटी मैन ये देखो भाई भाई। इस वक्त हम लोग हैं डिकाला कैंपस के बिल्कुल सामने। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहे हैं बर्ड्स उड़ रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सामने डिकाला कैंपस है वो देखिए सामने। और इतना बढ़िया हार्ड पीछे खड़ा है एलिफेंट का, आपको वो भी दिखा देता हूँ एलिफेंट का हार्ड। हाथी तो बहुत है भाई, जहाँ पानी है हाथी वहीं मिलेंगे। देखो अभी कितनी जोरदार है डिकाला के सामने वाली जो है कैंपस के सामने जो दिखती है अपने को, पूरा बैक वाटर इधर भर जाता है बारिशों में। लास्ट मंथ मैं आपको बड़ा हल्दी पड़ाव गया था, वो इस तरफ है डिकाला कैंपस के। कितने किलोमीटर होगा यहाँ से हल्दी पड़ाव? 17-18 भाई। आपको पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे लेयर दिख रहा होगा। हाँ हाँ अच्छा बढ़िया यार। रिकॉर्डाइज से तो हम जस्ट पहुंच जा रहे हैं, बट बाय रोड हमको 17 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा। सही है, मजा बहुत आएगा पर। हाँ बहुत मजा। हम नहीं जा सकते हैं ना, बट ऐसे जा नहीं सकते। बाहर से जाना पड़ेगा केटीआर से। हाँ डोंटियाल। हाँ डोंटियाल विलेज। हाँ अभी अच्छा ज़्यादा मिलते हैं मार्च में। मार्च प्रायर मार्च के बाद माइग्रेशन स्टार्ट होता है ना, यानी इतनी दूर से चलते चलते यार माइग्रेशन करते पूरा इसको इशू फुल हो जाता है। बोलते नेपाल तक जाते हैं, नेपाल राजा जी गवर्नमेंट पूरा कवर करते हैं। अभी वो जस्ट एंटर किए हैं ना कॉर्बेट इस एरिया में, तो अभी वो हमारी आवाज़ से हमारा डिस्टर्बेंस है, थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल है। अच्छा धीरे धीरे इनको आदत पड़ेगी अब गाड़ियाँ देखने की। भाई मजे हैं यहाँ पे तो, हमारे भी पैराडाइज ऑफ एनिमल तभी बोलता हूँ मैं इसे। दो सौ 300 किलो खाना ही होता है रोज उसको हाथी को। 18 घंटे हाँ वो चलते रहते हैं, एक जगह पे रुकते नहीं कभी भी। वीडियो बनानी भाई आसान नहीं। वही जगह है जहाँ पहले रुके थे हम लोग। बहुत जबरदस्त स्मेल आ रही है यहाँ पे जो टाइगर ने किल किया हुआ है, तो ऐसी जगहों पे चांस ज़्यादा होते हैं टाइगर दिखने के, क्योंकि जहाँ उसने किल किया दोबारा जरूर आएगा वहाँ पे। वैसे एक्चुअली मूवमेंट करता है पानी की तरफ आएगा या किल पे बैठेगा, तो जैसे खा रहा है तो हीट हो जाता है बॉडी, तो दोबारा पानी पे जाके रेस्ट करेगा। सही बात है, फिर आएगी वो फिर खाएगा। भाई टिकाना बहुत बड़ा है, सफारी बहुत बड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लगता है। टाइगर मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, उसको हमें ढूंढना है। दोबारा सांबर रोड पे आ गए हैं। देख लो यहाँ से अगर हम एक बार चले गए ना तो पूरा 8 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा यहाँ आने के लिए दोबारा। 8 किलोमीटर का राउंड है ये
यहाँ गाड़ी बैक नहीं होती जो है। एलिफेंट। अभी हम आ गए हैं हाई बैंक्स पे। रोड पे फार्म बर्ड डियर वाटरफॉल क्रॉस कर रहा है जो है। जहाँ से बैंड नहीं बैंड हाँ सीधा निकाल आता हूँ बैंड से अंदर घुसा रहता है। ये वाला फोटो लो उसे। अच्छा वो बैंड जो बढ़िया है इसकी गोल्डन। हाँ वही मेरी भैया भाई क्रॉस करते हुए देखिए भाई बहुत मुश्किल है यहाँ पे टाइगर को ढूंढना पड़ता है। इतना आसान भी नहीं है टाइगर को टाइगर का मिलना यहाँ पे। जो हमें पहले टाइगर दिखा था वो दो बार अंदर बाहर हो चुका जंगल में से जो है। हाथियों का झुंड आ रहा है बहुत बढ़िया। सामने सांबर डियर खड़े हैं बहुत बढ़िया वो भी। पर ये कवर करते हैं पहले। पीछे टस्कर आ रहे हैं उसके। दो फार्म बर्ड डियर खड़े हैं दो पानी के पास। पूरा जंगल छान लिया। स्टार्टिंग में जो दिखा है टाइगर वही दिखा है। और वो सेटिंग तो ऐसी हुई है कि बस कभी कभी होती है जो है किसी किसी को ही। अब यहाँ आए हम लोग खिननौली VIP गेस्ट हाउस। कभी भगवान ने चाहे तो यहाँ भी रुकेंगे क्यों शाकिनी भाई। बिल्कुल बिल्कुल हम है ना पूरी कोशिश करेंगे। बस ये है कि सब जुड़ते रहें। बिल्कुल तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ रहने का मज़ा ही लगा है। रात को देखो ना कितना बढ़िया फॉरेस्ट का व्यू है। सामने फेंसिंग भी पड़ी है। एलिफेंट माउंट बना हुआ है यहाँ पे। पूरा सोलर सिस्टम है यहाँ भी जो है बहुत बढ़िया जो है भाई। पीछे से बहुत ज़ोरदार व्यू है वहाँ पीछे से खिननौली के पीछे से। पूरा ग्रास लैंड है बहुत अच्छी वाइल्ड मूवमेंट है यहाँ से। तो लेकिन खाली पड़ा है बिल्कुल। VVIP के लिए रहता है हमेशा। ये पूरा इन्होंने दिया हुआ हाई बैंक क्रोकोडाइल पूल चैम्पियन पूल। ये तो गैरल की तरफ हुआ ना खिननौली। ये हो गया ये डिकाला हो गया ये खिननौली हो गया यहाँ पे। अभी पूरा एरिया हमने छान लिया पूरा रिवर बेल्ट पूरा। यहाँ डिकाला का डैम लिखा हुआ है बहुत बढ़िया। कांडा ये यहाँ जरूर जाऊँगा मैं। कांडा लोहा चोट मेरा हो गया। गैरल गैरल भी रुका। सुल्तान हो गया। धनगढ़ी सुंदरखाल मलानी गौजपानी। यहाँ रहने का मज़ा ही लगा है यहाँ पे। ये देखिए VVIP गेस्ट हाउस वन विश्राम भवन है। ऐसी जगह तो हमारे लिए जन्नत है भाई जन्नत। ये सारी पूरी वाइल्ड लाइफ पूरी यहाँ से पूरी मूवमेंट करती है। देखिए काला कैंपस के लिए आपको पता है यहाँ के बहुत सख्त रूल है। यहाँ पे बहुत इनके रूल बहुत ज़्यादा सख्त हैं। अगर हम थोड़ा भी लेट हुए तो ये लोग गेट बंद कर देते हैं। तो बहुत मोटा फाइन हमारी सफारी भी रद्द हो सकती है। क्या मालूम क्या क्या रूल है इनके जो है। आधा घंटा रह गया भाई। यही टाइम है यही मूवमेंट है जो है टाइगर के निकलने का दिखने का जो है। अभी हमें पूरी उम्मीद है कि टाइगर मिलेगा अभी जो है दिख जाएगा। चलते हैं वहाँ। आधा घंटा रह गया अभी जी। क्या है माहौल दिखने वाला कुछ देखें। अभी हमारे पास आधा घंटा मतलब काफ़ी टाइम है। अभी हम लोग ट्राई करते हैं ठीक है। अभी आते हुए अच्छी साइडिंग हुई थी। ट्राई करते हैं कि हम खाली हाथ ना घुसे कैंपस। सही बात है कुछ ना कुछ पकड़ते हैं फिर। अभी एंट्री तुम्हारी बहुत जोरदार हुई थी। जैसे होती है फिल्म में हीरो की एंट्री होती है वैसे हमारे एग्जिट भी तगड़े होते हैं। सही बात है। चलो अच्छा है चलो बढ़िया है। उम्मीद तो देखो कायम रहनी चाहिए जंगल में क्योंकि जब तक हम जंगल में हैं तब तक उम्मीद तो बनी रहती है जो है।
से रूट से ही आएगा। हाँ सब वेट कर रहे हैं भाई। सबसे पहले जिप्सी आज हमारी है, पहुंच गए टिकाला कैंपस। टाइगर भी हमने देखा था आज। सही बात है, एकदम राइट टाइम हम आ गए हैं सबसे पहले। ये रूल होना चाहिए जिसकी जिप पहले आएगी सुबह वही जाए पहले, है कि नहीं? नंबर वही लगा दो यहाँ पे, जो पहले आया वो पहले जाएगा पूरे। हाँ तो आज की सवारी हुई हमारी कंप्लीट, अभी चलते हैं अपने रूम में। देखिए माहौल है आफ्टर सफारी का, सब लोग सफारी करके आ गए हैं, सबके चेहरे आज उदास हैं पर हमारे खिले हुए हैं, क्योंकि हमें तो बहुत बढ़िया वाली टाइगर साइटिंग हुई है जो है। डेक पे भी चलते हैं, अभी कुछ चाय वाय पीते हैं जो है।